दोबारा मुकाबले में हिस्सा लोगे? हाँ, मैं और शम्मा साथ रहेंगे। तुम किसी को साथ ले रहे हो? मेरे चाचा और चाची डिनर पर आ रहे हैं, तो शम्मा मेरे घर पर होगी। आ जाओ, जल्दी चलते हैं, प्रोजेक्ट की तैयारी करते हैं। हमारी जीत का प्रोजेक्ट। हाँ, साइंस प्रोजेक्ट जीतने का तुम्हारा ये ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा मेरे दोस्त। वो कैसे? क्योंकि मैं ही जीतूंगा ये साल तारीख के नाम, सुना तुमने? देख लेंगे। हाँ, खैर तो मिलो साइंस प्रोजेक्ट में मेरे साझीदार से मुफीद। चलो अब हम चलते हैं, शुरू करते हैं साइंस प्रोजेक्ट की तैयारी। तो क्या ख्याल है शम्मा? मैंने एक एनर्जी एफिशिएंट हवाई जहाज डिजाइन किया है। वाह, ये तो हद हो गई। हाँ देखो, मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ डिजाइन किया है। ये मॉडल हवाई जहाज एनर्जी एफिशिएंट है। ठीक है, हम दोनों मिलकर एक बेहतरीन साइंस प्रोजेक्ट को अंजाम देते हैं। मुझे मंजूर है। तो हम दोनों क्या करें? हवाई जहाज के लिए कोई लोगो तैयार करो और अच्छा सा नाम। तुम दोनों मिलकर सोचो, बोलो ये काम कर लोगे ना? बेहतर। हाँ। ये। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं होता कि हमारी टीम इस बार जीतने वाली है। और तो और हमारा जहाज भी परवाज के इम्तिहान के लिए तैयार है। जानता हूँ, ये यकीनन हमें। हाँ? हाँ, यकीनन क्या? हाँ, सब कुछ बताओ। तो क्या कहा तुमने, परवाज का इम्तिहान? दिलचस्प खबर के लिए शुक्रिया। बेहतरीन, क्या दिख रहा है? ये बढ़िया है, परवाज कराई क्या? नहीं, तुम्हारा इंतजार है। तो शुरू करते हैं। शम्मा, रोटर्स शुरू करो। हाँ ठीक है, अब इसे दाएं बाएं घुमाओ। बेहतरीन। कुछ टूटा तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। खुदा का शुक्र है, जहाज को कुछ भी नहीं हुआ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, परवाज बहुत अच्छी रही, बस इसमें मोड़ लेने की एक दिक्कत बाकी है। हाँ, मुझे इत्तेफाक है। मोड़ने की दिक्कत? तुमने अंदाजन आधी टीम खो दी है। हम इसमें कुछ तब्दीलियाँ करके इसे रंग देंगे। उबैद रंग ला सकते हो? लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अपने लिए एक हेलमेट लाऊंगा। तो बताओ सालिम, क्या तुमने इसका कोई नाम सोचा है? मैं इसका नाम रखूंगा एक जानवर के नाम पर। ओह, बेहतरीन ख्याल है। तुम इसे पुकारोगे द बनी। क्या? नहीं, एक बहुत ही खतरनाक जानवर के नाम पर, समझे? बिल्ली? उफ, बिल्ली खतरनाक नहीं होती। ओबैद, लेकिन पंजे तो होते हैं ना? नहीं, मैं पुकारूंगा तारिक। हाँ, तारिक? नहीं, वो देखो तारिक, और उसका जहाज तो देखो। उसका जहाज तो हमारे जैसा है। ये कैसे हुआ? उनका जहाज भी हमारे जैसा है और वही मोड़ने की दिक्कत है। चलो ये वीडियो जाकर मंसूर और शम्मा को दिखाएं। उनका जहाज तो हर लिहाज से हमारे जैसा है। उन्होंने हमारा जहाज देख लिया होगा, लेकिन ये नामुमकिन है। हाँ? वो तारिक और मुफीद है, उनके गुलाम कहाँ है? वो वहाँ मौजूद नहीं थे।
जब उनके जहाज का वीडियो हमारे पास हो सकता है तो हमारा भी उनके पास होगा। उसने इसे अंजाम कैसे दिया होगा? अभी मालूम करते हैं। नैनो, जाओ आसपास के इलाके को अच्छी तरह स्कैन करो। करता हूँ। नैनो, क्या तुम उन तस्वीरों को मुझे जूम करके दिखाओगे? पहले तारिक ने उन दोनों से हमारी जासूसी करवाई, फिर मुफीद के जरिए पूरी की पूरी नकल तैयार कर ली। हम दूसरी परवाज के लिए तैयार तो हैं मंसूर, लेकिन हम उनके सामने ये सब नहीं कर सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं? पता है क्या करना है? हम ऐसा जाहिर करेंगे कि हमें उनका पता ही नहीं है और किसी बचकाने जहाज का नमूना देकर गुमराह कर देंगे। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? जेली। हो? जेली? हाँ, जेली। ये अजीब लग रहा है। हाँ, निहायत अजीब है। शम्मा, उबैद, सलेम, तैयार हो? तो चलो, इसे हम मेहताब की सैर कराते हैं। तैयार। हाँ, काम करता है। हाँ, वीडियो देखने के बाद उसका चेहरा देखने लायक होगा। वो उनका नया जहाज है, यकीन नहीं होता। और ये जेली की ताकत से परवाज करता है। उन्होंने अपनी दोनों मुश्किलें दूर कर ही ली, पर कैसे, कोई बताएगा? खैर, अब तुम कुछ करो मुफीद। साइंस मेला कल होने वाला है, समझे तुम? और मुझे हर हाल में जीतना है। कितना दिलचस्प लग रहा है। समझे, दिलचस्प यानी बचकाना। सही है, दरअसल इसे तो मेरे पेट में होना चाहिए था, ना कि हवा में, है ना शम्मा? देखो, तुम्हें ऐसा ही दूसरा जहाज यहाँ मिल जाएगा। मतलब सोलर पावर से उड़ने वाला। मुझे तुम्हारी बात पे थोड़ा शक है तारिक। आओ, यहाँ से चले। सुनो, क्या अभी इसमें पावर और मुड़ने वाली दिक्कतें हैं? अगर तुम उन्हें बढ़ा दो तो ये दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। उन्हें बढ़ा दे? उबैद, जरा ये खाने का डिब्बा मुझे देना। हे, बहुत खूब। सभी टीमें आगे आएं, अपने अपने प्रोजेक्ट पेश करें। तुम्हारे पास क्या है? ये है एनर्जी एफिशिएंट मॉडल जहाज। ये आफताब की ताकत से उड़ता है। और तुम, ये क्या है? एनर्जी एफिशिएंट मॉडल जहाज, जो परवाज करता है सिर्फ जेली से। किससे? जेली से। हाँ, तभी मैंने सोचा, तुमने कहा। खैर, तो आइए अब इनकी परवाज देखते हैं। मंसूर, अब तुम्हारी टीम पहले। बेहतरीन, बहुत खूब। तुम्हारी बारी, जल्दी से उड़ाओ। ठीक है, ये काम करे नहीं तो करेगा, तुम फिक्र मत करो। कोई रोको इसे।
क्या यही दिखाना चाहते थे? नहीं, मैं जेली को खुफिया तरीके से बरसते हुए देख रहा था, शायद बेहतर काम करे। मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा मुफीद। हाजरीन, तो इस साल का इनाम जीता है टीम मंसूर ने। मुबारक हो। शुक्रिया। मेरी बहन शम्मा के बगैर ये मुमकिन नहीं था, इसे बनाने में उसका अहम किरदार था और मेरे दोस्त उबैद और सलेम का भी, और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ मुफीद का भी।